दुबई में हो रहे क्लाइमेट समिट में पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। जी हां, आपको बता दें इस समिट में हिस्सा लेने के लिए 160 देशों के नेता शामिल हुए। इस दौरान एक फोटो सेशन भी हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली लाइन में खड़े नजर आए। वहीं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर लास्ट पंक्ति में कोने में खड़े दिखे। हालांकि फोटो में पाक पीएम इतने लापता से दिखे कि सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है। आपको बता दें पाकिस्तान के डिफेंस मामलों के विशेषज्ञ कमर चीमा ने इस फोटो को शेयर कर कहा, प्लीज इस फोटो में मेरे प्रधानमंत्री को खोजने में मदद करें। उन्होंने आगे पीएम मोदी के बारे में लिखा, पीएम मोदी पहली लाइन में खड़े हैं। इसके अलावा अन्य यूजर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाते दिखे। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम देश में हो रही समिट में पाकिस्तान की क्या औकात है वो आज दिख गए। कमर चीमा के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, दिखा ऑन राइट साइड, कांट सी हिज हैंड्स, कहीं कटोरा लेके खड़ा तो नहीं। एक अन्य यूजर ने लिखा, औकात अपनी अपनी। एक अन्य यूजर ने पाक पीएम पर तीर का निशान बनाकर लिखा, तेरा ध्यान किधर है, पाकिस्तान का भिखारी इधर है। बता दें कि इस समिट में ऐसे कई मौके आए जब पाकिस्तान को फजीहत झेलनी पड़ी। दरअसल दुबई जैसे मिडिल ईस्ट के देश में लगभग 160 देशों के नेता शामिल हुए हैं। इस ग्लोबल इवेंट में कई मुस्लिम देशों की टॉप लीडरशिप भी आई, लेकिन मजहब के नाम पर भाईचारा की बात करने वाले देशों के रहते हुए भी पाकिस्तान को कोई भाव नहीं मिला। COP28 समिट में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता दिखाने की अपील करते हुए कहा कि कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने पर तत्परता से काम किए जाने की जरूरत है। इसके लिए सभी देशों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपको बताते चले कि COP28 जलवायु को लेकर ये संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक है। इस वार्षिक बैठक में जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं उन पर चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन में करीब 200 देशों के नेताओं को बुलाया गया है। नेताओं के अलावा पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं, मानवाधिकार समूह भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में बीते समय में जलवायु में आए परिवर्तन को देखते हुए ये सम्मेलन काफी अहम है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।